डियर स्टूडेंट्स, इकोलॉजी और फाइटोजियोग्राफी के पेपर में सॉइल के चैप्टर में आगे हम उसकी सॉइल की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। अगर हम मृदा के निर्माण और इसकी जो प्रोसेस हैं, अगर हमने जब उनको स्टडी किया, उसको अब हम ध्यान से एनालाइज करें, उसका विश्लेषण करें, तो हमें पता लगेगा कि मृदा केवल एक सिंगल यूनिट नहीं है, एकल इकाई नहीं है, जबकि मृदा एक कॉम्बिनेशन है बहुत सारे पार्ट्स का, बहुत सारे घटक का। मृदा केवल एक इकाई न होकर अनेक घटकों के द्वारा निर्मित होती है और संयुक्त रूप से ये सभी घटक मिलकर मृदा जटिल सॉइल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। अगर किसी सॉइल कॉम्प्लेक्स को हम विस्तृत अध्ययन करें तो हमें इसमें कई इम्पॉर्टेंट चीज़ें दिखाई देती हैं और यही चीज़ें मिलकर सॉइल की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ बनाती हैं। तो इसमें मुख्य जो है घटक वह नंबर वन खनिज पदार्थ। इसका निर्माण विभिन्न प्रकार के चट्टानों से होता है। जो भी बेस चट्टान, बेस रॉक जो होती है, जहाँ से सॉइल बनती है, वह मुख्य चट्टान होती है और उसके अंदर के जो खनिज लवण होते हैं वह एक प्रकार उसी प्रकार की सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अपक्षय विदरिंग के द्वारा खनिज पदार्थ सॉइल के अंदर जुड़ते हैं और ये सॉइल की कुल मात्रा का 40-50% होता है। दूसरा, कार्बनिक पदार्थ। मृदा में पेड़ पौधे, जानवरों के मृत शरीरों के सड़ने और गलने से, उनके अपघटन से विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं वह उसके अंदर एकत्र हो जाते हैं मृदा के अंदर, जिसको ह्यूमस नाम दिया गया है, और इसका आयतन मृदा की का कुल 10% होता है। सॉइल वाटर। मृदा के कणों के बीच जल की मात्रा भी पाई जाती है, इसे मृदा जल कहा गया है। इसमें जो सॉल्ट्स हैं सॉइल के अंदर वह इसमें घुलनशील रहते हैं और यह लगभग 25% भाग होता है सॉइल के वॉल्यूम का। उसके बाद है सॉइल एयर। इसकी मात्रा भी मृदा के आयतन की कुल लगभग 25% होती है। यह जो वायु होती है, यह मृदा के कणों के बीच बीच में जो उपस्थित होती है वह वायु कहलाती है सॉइल एयर, और इस वजह से यह सॉइल का एक अपना एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज सॉइल ऑर्गेनिज्म। मृदा की विभिन्न परतों में विभिन्न विभिन्न तरह के सजीव निवास करते हैं और इसमें पादप और प्राणी दोनों ही सम्मिलित हैं और ये मिलकर सॉइल के ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। तो उपरोक्त जो ये सभी घटक हैं, ये सभी जगह के मृदा में हम आवश्यक रूप से पाए जाते हैं, परंतु स्थान और मृदा की प्रकृति के आधार पर इन घटकों में, इनके अमाउंट में, इनकी क्वांटिटी में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। मृदा प्रारूप का गठन और इसके विभिन्न रासायनिक और भौतिक गुण भी किसी भी स्थान की वनस्पति की संरचना को देन प्रभावित करते हैं। तो ये जो घटक हैं, खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, मृदा जल, मृदा वायु और मृदा जीव, इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल्स में स्टडी करेंगे। सबसे पहला तत्व है खनिज पदार्थ एवं मृदा गठन, मिनरल कंपोनेंट्स एंड सॉइल टेक्सचर। सबसे इम्पॉर्टेंट मिनरल कंपोजिशन एंड सॉइल टेक्सचर। जो विभिन्न खनिज कणों का परिमाप और प्रकृति पर मृदा का गठन निर्भर करता है। विभिन्न प्रकार की मृदाओं में जो खनिज कण हैं उसका परिमाप अलग अलग होता है और खनिज कणों की आकृति और परिमाप के आधार पर मृदा निम्न प्रकार की हो सकती है। तो एक मृदा विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने 1927 में मृदा के कणों के आकार के आधार पर मृदा को अलग अलग भागों में बांटा है, मृदा की वैरायटीज बनाई है। टेबल में अगर हम देखें तो खनिज कणों के व्यास के आधार पर इसके अंदर मृदा का नाम दिया गया है। अगर उसका डायमीटर खनिज कण का 2 से अधिक है तो वह कंकड़ या ग्रेवल कहलाता है, 2 से 0.2 तक है तो वह बालू कहलाती है, क्वार्ट्ज सैंड जिसको कहते हैं, 0.20 से 0.02 तक है तो वह बारीक बालू या रेता कहलाती है, 0.02 से 0.002 तक है तो वह सिल्ट कहलाती है, और 0.002 से अगर उसका डायमीटर कम है तो वह चिकनी मिट्टी कहलाती है।
तो प्रारूप गठन के आधार पर मृदा का वर्गीकरण अनेक किस्मों में किया गया है, मतलब ये जो मुख्य खनिज कणों को ये जो व्यास है इसके आधार पर मृदा का जो है किस्म तैयार की गई है, मतलब ये सिंगल सिंगल है, इनके मिक्सचर से कई तरह की मृदा बनी हुई है। यदि मृदा में चिकनी मिट्टी का अनुपात अधिक है, क्ले का अनुपात अधिक है तो इसको क्लेई सॉइल कहते हैं, बालू अधिक है तो वो सैंडी सॉइल कहलाती है, अगर उसमें चिकनी मिट्टी बालू और गाद है तो वह दोमट मिट्टी कहलाती है, और अगर रेत की मात्रा दोमट मिट्टी में ज़्यादा है तो उसको सैंडी लोम कहते हैं, इसी तरह अगर गाद अगर उसमें ज़्यादा है तो उसको सिल्ट लोम कहते हैं। इस तरह से मृदा की वैरायटीज तैयार की गई है कि डिपेंड्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स। इस प्रकार की मिट्टी में जल अवशोषण की जो क्षमता है उसके आधार पर भी इसमें मृदा की वैरायटी के बारे में बताया गया है। इसमें जो बालू मिट्टी है वह सबसे अधिक वर्षा जल एब्जॉर्ब तो कर लेती है परंतु उसमें जो है वर्षा का जल रुकता नहीं है, इसीलिए रेत में कभी भी कीचड़ नहीं होता है, हमने देखा होगा, क्योंकि इसमें पानी का जल अवशोषित कर तो लेती है परंतु इसमें ठहरता नहीं है क्योंकि इसमें सॉइल एरिएशन बहुत अधिक होता है। इसी प्रकार जो गाद प्रकार की मिट्टी है ये चिकनी मिट्टी और रेत मोटी जो रेत है उसके बीच की पाई जाती है, और जो चिकनी मिट्टी है उसकी प्रकृति कोलाइडल होती है, वह चिकनी होती है, वह पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसके अंदर सॉइल एरिएशन कम होता है। तो पेड़ पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए सबसे जो उपयुक्त है वह दोमट मिट्टी बताई जाती है क्योंकि इसमें रेत, मृतिका, स्लेट और चिकनी मिट्टी तीनों का बराबर कॉम्बिनेशन पाया जाता है, इसीलिए इसमें सॉइल एरिएशन और सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बराबर पाई जाती है। किसी भी पौधे के लगने के लिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और एरिएशन दोनों ज़रूरी होता है, इसीलिए दोमट मिट्टी में मृदा जीवों का भी बाहुल्य होता है और इस वजह से इसके अंदर ह्यूमस भी पाया जाता है। तो खनिज कणों के व्यास के आधार पर मृदा के नाम दिए गए हैं और इनके कॉम्बिनेशन से जो मृदा बनती है वह वनस्पति के उगाने के लिए आवश्यक होती है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज मृदा में मृत पेड़ पौधे व जंतुओं के अवशेषों के सड़ने गलने और इनमें सूक्ष्म जीवों द्वारा निरंतर अपघटन से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। मुख्य रूप से विभिन्न जीवाणु और कवक प्रजातियां मृत शरीरों के अपघटन के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो मेन है एनिमल्स, मेन ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फंगस है और बैक्टीरिया है जो कि सॉइल के अंदर उपस्थित होते हैं और वह अपघटन का कार्य करते हैं। पादप शरीर के पोषण हेतु मृदा में मुख्यतः दो प्रकार के खनिज लवण और कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो जमीन के अंदर की सतह पर रहने वाले प्राणियों और पौधों और पादप भागों को मृदा को कार्बनिक पदार्थों की प्राप्ति इसके द्वारा होती रहती है। किसके द्वारा? ह्यूमिफिकेशन के द्वारा, अपघटन के द्वारा जो लगातार प्रक्रिया होती रहती है, इस वजह से जो पेड़ पौधे हैं उनको खनिज लवण और ह्यूमस कार्बनिक अम्ल मिलते रहते हैं। तो ह्यूमस का अपघटन पुनः खनिज लवणों में भी ह्यूमस जो है रूपांतरित होता रहता है। तो किसी भी क्षेत्र या स्थान में ह्यूमस का निर्माण जैसा कि हम पढ़ चुके हैं वहाँ की जलवायु और वनस्पति पर निर्भर करता है। मूलर ने ह्यूमस के प्रायः दो प्रारूप बताए हैं जिसको हम आगे स्टडी करेंगे। मूलर के अनुसार दो तरह के ह्यूमस पाए जाते हैं, मोर और मुल कहा गया है इसमें, या टेबल में हम स्पष्ट देख सकते हैं। मोर ह्यूमस जिसकी परत का निर्माण चौड़ी पत्ती वाले क्षेत्रों में होता है जहाँ पर्णपाती वन पाए जाते हैं, यह पर्ण शीतोष्ण प्रदेशों में पाए जाते हैं। इन वनों में मृदा का निर्माण पोटसोलीकरण के द्वारा होता है, वर्षा की कमी होती है यहाँ पर और मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव होता है। मृदा की ऊपरी परत इसमें अम्लीय रहती है, इस वजह से जो कार्बनिक पदार्थ है उनका अपघटन नहीं हो सकता है, इसलिए जो गिरी हुई पत्तियाँ होती है ये अविघटित कार्बनिक पदार्थों की एक कठोर काली व भूरे रंग की मोटी लेयर बन जाती है और इनका जो अपघटन की प्रक्रिया है वह बहुत धीरे धीरे होती है। इस ह्यूमस को कच्ची ह्यूमस भी कहा जाता है।
इस मृदा में केंचुए या अर्थवर्म्स नहीं पाए जाते हैं। इसी तरह सेकंड है मल ह्यूमस, इसमें यह टेम्परेट रीजन्स में पाई जाती है जहाँ चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष वन पाए जाते हैं। मृदा का रंग भूरा और काला होता है। इस मिट्टी में अर्थवर्म्स बहुतायत से पाए जाते हैं और अनेक अपघटित अवशेषों की पहचान संभव नहीं होती है। यहाँ जो ह्यूमस है इसकी जो सॉइल लूज होती है, पोरस होती है और यह अधिक उपजाऊ होती है। तो एक कंपैरिजन यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं। तो पहला है कि मिट्टी की ऊपरी परत अम्लीय होती है और मल ह्यूमस में ऐसा नहीं होता है। सेकंड है इसमें केचुए और ऑर्गेनिजम्स जो उसका रिडक्शन करते हैं वो अधिक होते हैं। इसमें मोर ह्यूमस में केचुए इत्यादि कम पाए जाते हैं। तीसरा है कार्बनिक पदार्थों के अपघटन की क्रिया मोर ह्यूमस में धीमी होती है जबकि मल ह्यूमस में तेजी से होती है। इसमें कार्बनिक पदार्थ अपूर्ण अपघटित होते हैं जबकि इसमें पूर्णतया अपघटित हो जाते हैं। तो जब अपघटन नहीं होता है तो इसमें खनिज लवण कम मात्रा में पाया जाता है और उसमें खनिज लवण बराबर मात्रा में पाया जाता है। मृदा की वैरायटी नॉन पोरस कठोर हार्ड होती है जबकि मल ह्यूमस में मृदा लूज और पोरस होती है। यह मोर ह्यूमस पेड़ पौधों की अच्छी पतवार के लिए मिट्टी अधिक उपयोगी नहीं होती है और मल ह्यूमस में पेड़ पौधे पर्याप्त वृद्धि के रूप में वृद्धि करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ह्यूमस मृदा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि यह विभिन्न पोषक तत्वों को मृदा को प्रदान करता है। दूसरा, मृदा जो है ह्यूमस के कारण मृदा थोड़ी सी पोरस हो जाती है और इसमें सॉइल एरिएशन प्रॉपर हो जाता है। यह मृदा की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। मृदा के कणों को जोड़ने का भी यह कार्य करता है। यह जल अवशोषण को बढ़ाता है और विभिन्न प्रकार के जो ऑक्सीजन हार्मोन्स इत्यादि है वह मिट्टी में जो उगने वाले पौधे हैं वह उसको प्राप्त करते हैं। क्योंकि ह्यूमस की मूल प्रवृत्ति अम्लीय प्रकार की होती है अतः यह आसानी से मृदा क्षार से संयुक्त हो जाती है और ऐसी मिट्टी का लीचिंग नहीं होती है, मतलब सॉइल मृदा अपदरण अब नहीं होता है। और लास्ट, ह्यूमस युक्त जो मृदा होती है उसमें सूक्ष्म जीव बहुतायत से पाए जाते हैं। तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं जिसके द्वारा देयर इज एन इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल ह्यूमस या हम इसको और कह सकते हैं सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। द नेक्स्ट एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज सॉइल ऑर्गेनिजम्स। तो समस्त मृदा में जो मृदा घटक होते हैं उसमें मृदा जीव या सॉइल ऑर्गेनिजम्स का भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। इन मृदा जीवों में विभिन्न पादप एवं जीव प्रजातियां एक विशेष फ्लोरा और फौना के रूप में परिलक्षित होती हैं। ऑर्गेनिजम्स में बहुत प्लांट्स एंड एनिमल्स, फ्लोरा और फौना दोनों इसमें सम्मिलित हो जाते हैं जो संयुक्त रूप से मिलकर मृदा जीव संगठन का निर्धारण करते हैं। मृदा जीवों में मुख्य पादप और जंतु जो प्रजातियां पाई जाती है वह एक टेबल के फॉर्म में है। तो ये देखते हैं यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में जो फ्लोरा पाया जाता है वो है एल्गी, इसमें भी है ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, सॉइल फंजाई, एक्टिनोमाइसिटीज, राइजॉइड्स, रूट्स और राइजोम्स, ये सब मृदा के अंदर पाए जाते हैं। और सॉइल फोना जो है मृदा में जो जंतु समूह पाया जाता है उसमें मुख्यतया है प्रोटोजोआ, रोटिफर्स, नेमेटोड्स, टर्माइट्स, इंसेक्ट्स, ऑर्थोपोड, अर्थवर्म, मॉलस्क। इसके अलावा जो बिल बनाकर मृदा के अंदर रहते हैं उसमें मोल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं और रेट्स हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फ्लोरा एंड फोना है जो मृदा के अंदर पाए जाते हैं। जो ये जो मृदा में जो शैवाल की प्रजातियां हैं ये नम और छायादार स्थानों में ऊपरी सतह पर पाई जाती हैं और जबकि अम्लीय मृदा में जो फंगस की वैरायटीज़ हैं और एक्टिनोमाइसिटीज़ हैं वह ज़्यादा पाई जाती है। जो ह्यूमस है वहाँ जहाँ जिस मृदा में ह्यूमस ज़्यादा होता है उसमें बैक्टीरिया बहुत अधिक पाए जाते हैं। अब इनकी क्या इम्पोर्टेंस है? सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, सबसे पहले ये डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं,
कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके ह्यूमस का निर्माण करते हैं और पुनः इसको खनिज तत्वों के चक्र बायो जियो केमिकल साइकिल्स में इसको वापस सर्कुलेट करते हैं। मृदा में जो विभिन्न प्रकार के जो अपघटन होता है वह उसको ह्यूमस में बदल देता है और यह जो पोषण है ह्यूमस जो है यह उसमें उगने वाले पादपों के पोषण के रूप में मुख्यतः काम में आता है। एक अन्य है कि राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम आपने सुना होगा, यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम में आता है। ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में नोड्यूल्स के रूप में पाया जाता है और यह बहुत इम्पॉर्टेंट होता है नाइट्रोजन, क्योंकि हम जानते हैं कि पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए दीज बैक्टीरिया आर वेरी इंपॉर्टेंट। राइजोबियम एजेटोबैक्टर वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। कुछ एल्गी भी हैं, नोस्टॉक एनाबिना ओसिलेटोरिया टॉलीपोथ्रिक्स और सिलेंड्रोस्पर्मम, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है कि यह ग्रोथ स्टिमुलेटिंग सब्सटेंसेस का भी निर्माण करते हैं। कुछ जो फंगस हाइफी हैं वह ग्रोथ हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं जिसका उपयोग पौधे की जड़ें करती है और वृद्धि करती है तेजी से। इसमें मुख्यतः जो ये फंगस जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स बनाती है उसमें है इंडोल एसिटिक एसिड या ऑक्सिन और जिबरलिन्स। इसके अलावा यह टॉक्सिक सब्सटेंसेस का भी सिक्रीशन करते हैं। अगर कार्बनिक पदार्थों का पूर्णतया ऑक्सीकरण नहीं हो सकता है, अगर हवा कम है उसमें वायु कम है तो पूर्णतया ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, तो ये एक तरह के एल्डिहाइड और कार्बनिक अम्ल और अन्य विषाणु विषैले पदार्थों का सिक्रीशन करते हैं। और यह है इसमें मुख्य HCN है का फ्यूजेरियम लाइनई नामक कवक है, वह HCN का निर्माण करती है जिसकी वजह से पौधे मुरझा जाते हैं। और यह है सॉइल का एक मिक्सचर तैयार करते हैं जिस वजह से सॉइल जो है चट्टानों की टूटने की प्रक्रिया तेज होती है और सॉइल की विदरिंग ज़्यादा जल्दी हो जाती है। इसके अलावा माइकोराइजा भी एक विशेष वर्ग है जो प्लांट्स की जड़ों के साथ उगता है, उसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, सहजीवी गठबंधन बना देता है जिसमें पादप और कवक दोनों परस्पर लाभान्वित होते हैं। यह जनरली पाइनस की जड़ों में ओक की जड़ों के बीच में पाया जाता है और वहाँ पर यह हेल्प करता है। यह हाइफी वहाँ पर रूट हेयर का कार्य करते हैं और यह जल और खनिज पदार्थों के अवशोषण का कार्य करते हैं। कई ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिज्म वो प्लांट्स के अंदर डिजीज़ भी करते हैं, जैसे कि पोटैटो ब्लाइट्स, क्राउन गोल डिजीज़, इसी तरह दीमक होती है वह भी प्लांट की जड़ों को खोखला कर देती है। इस तरह जो ये जो जीव हैं यह फ़ायदा करते हैं तो कुछ इनके नुकसान भी हैं सॉइल ऑर्गेनिजम्स के, जो मुख्यतः हम इनके फ़ायदे ज़्यादा हैं और नुकसान कम है, परंतु हम ये दोनों ही तरह की बातें इसमें अध्ययन करते हैं।